गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था और कहा था कि नेक्स्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर है। हमने लास्ट क्लास में बच्चों क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, और अब आज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जैसी हमारी ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से बनी है, आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स। सिमिलरली उसी की जैसे जो कंप्यूटर है उसके भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर उन्हीं पार्ट्स के साथ एक साथ तभी वो काम कर पाता है। हम जैसे अपनी बॉडी में आईज से देखते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं, ईयर्स से सुनते हैं, हैंड से काम करते हैं, लेग से चलते हैं, वैसे ही जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जो कि मॉनिटर बच्चों, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये भी एक फंक्शन अपना अपना परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला पार्ट ऑफ कंप्यूटर समझते हैं, वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एकदम हमारी टीवी स्क्रीन जैसी होती है। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वो मॉनिटर डिस्प्ले करता है। मॉनिटर हमारा सारा आउटपुट डिस्प्ले करता है। हम बच्चों, हम लोग मूवीज़ आपकी होती हैं, आपका कार्टून, गेम्स, वीडियो, ये सब कुछ मॉनिटर पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉनिटर एक टेलीविज़न स्क्रीन जैसी होती है। मॉनिटर जो होता है वो कनेक्टेड होता है सीपीयू से एक वायर के साथ। मॉनिटर की जो तार होती है, जिसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हम उसको एक इलेक्ट्रिक वायर से सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर इज़ लाइक अ टेलीविज़न विच डिस्प्लेस द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारा? माउस। माउस क्या होता है? माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को। वो स्क्रीन पे एक एरो जो शो होता है हमारी, वो माउस का ही एरो होता है। माउस में क्या होता है, आप लोग देख सकते हो पिक्चर में दो बटन्स बने हैं ब्लैक कलर के, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन। तो माउस में दो बटन्स होते हैं, और अगर आप मिडिल में देखो तो एक ब्लैक कलर का व्हील बना है। इसको हम लोग स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। अगर हमें ऊपर जाना है या नीचे आना है अपने, तो हम ये स्क्रॉल का बटन यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक अपना क्लिक करना है हमें, अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो हम उसको सिंगल क्लिक ऑफ माउस बोलते हैं, और अगर हमें डबल क्लिक करनी होती है माउस में तो हम डबल क्लिक ऑफ माउस बोलते हैं। तो अब बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि माउस क्या है। माउस में भी एक वायर होती है, जैसे चूहा की टेल होती है वैसे माउस की भी एक टेल होती है। तो माउस क्या हुआ? माउस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब हम अपने कंप्यूटर के थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा कीबोर्ड। जैसे हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हम कैलकुलेटर्स में कीज़ का यूज़ करते हैं। फ़ोन में कुछ भी टाइप करना हो या किसी को डायल करना हो या कुछ भी करना हो तो हम कीज़ का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमें कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं बच्चों, हमें कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। कीबोर्ड जो है वो सेवरल बटन्स कॉल्ड कीज से बना होता है। हम अल्फ़ाबेट भी टाइप कर सकते हैं, हम नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं, हम जो भी सब टाइप करेंगे वो हमारी स्क्रीन पे शो होगा। और स्क्रीन मैंने आपको अभी बताई थी कि क्या होती है, मॉनिटर होती है। आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो पिक्चर बनी है कीबोर्ड में, उसमें पूरे ए टू जेड तक के अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। जो लॉन्ग स्पेस दिख रही है, जो लॉन्ग की दिख रही है, वो स्पेस की होती है। आपके राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स हैं, ऊपर F1, F2, F3 लिखा, ये सब कीज़ हैं F12 तक। इनके फंक्शंस होते हैं अपने डिफरेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट पार्ट जो है वो है CPU। जैसे कि हमारे ब्रेन हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी का, वैसे ही
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो सीपीयू होती है ये कंट्रोल करती है पूरे कंप्यूटर सिस्टम के वर्क को और एक साथ काम करवाती है। ये जो बॉक्स होता है सीपीयू, ये ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, ये कनेक्टेड होता है हमारे कंप्यूटर के साथ और सब कुछ कंट्रोल करता है। सीपीयू के विदाउट बगैर यानी सीपीयू के विदाउट कंप्यूटर हमारा स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। सीपीयू बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों कंप्यूटर के साथ के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, सब कुछ सीपीयू ही करता है। और बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। मॉनिटर हमारी स्क्रीन है, माउस हम लोग क्लिक करते हैं स्क्रॉल करते हैं, कीबोर्ड हमारे डिफरेंट कीज़ के लिए होता है, टाइपिंग के लिए होता है, और सीपीयू हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है।